पूरे देश भर में हमें ऐसे युवा साथियों की जरूरत है, ऐसे युवाओं की जरूरत है जो लोग समाज के लिए ईमानदारी के साथ समर्पित हैं, जो अपने जिलों की जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं, और अगर उनके क्षेत्र में कोई भी घटना होती है तो उस पे एक्शन पे रिएक्शन देने के लिए तैयार रहे वो लोग। उन्होंने उन्हें पूरी कानूनी सहायता हमारी टीम देगी। कोई भी घटना होगी अगर उसका एक्शन पे रिएक्शन आप लोग देंगे तो पूर्ण कानूनी जितनी भी जिम्मेदारी है वो हम लोगों की होगी। हम लोग आप लोगों के साथ कंधे से कंधे मिलाकर खड़े होंगे वहां पर, और मनुवादियों की औलादों को उन्हीं की भाषा में अब जवाब देने के लिए हम लोग तैयार हैं। पिछले 2-3 दिन में हमारी कई दिल्ली के सामाजिक संगठनों से बातचीत हुई है इस विषय पे, और इस विषय में बात होने के बाद ये फाइनल फैसला लिया गया है कि या तो जिस प्रकार से घटनाएं हो रही है वो रुकने वाली नहीं। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहूंगा, याद होगा आप लोगों को, जब दक्षिण भारत में परियार साहब की मूर्ति टूटी तो बहुजन समाज के लोगों ने 10 लोगों के जनेऊ काट दिए थे, याद होगा आपको वो दिन। उसके बाद चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो चाहे राज्य सरकार हो, उन्हें तुरंत कार्रवाई करनी पड़ी और उसके बाद परियार साहब की मूर्तियों पर हमले होने बंद हो गए। तो इसी प्रकार से अब बात लट्ठों पे चलेगी, ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा, और हमें ऐसे युवाओं की अब जरूरत है जो हमारे साथ मिलकर इस आंदोलन में भाग ले। अब जरूरत भाषणों की नहीं रही, सड़कों पे उतरने की है। अब जिस प्रकार से उन लोगों ने हमारे समाज के बहुजनों के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर डर और भय बना के रखा था, उसी डर और भय को अब उनके ऊपर लाने की तैयारी शुरू कीजिए। आंदोलन अब बड़ा होगा, विकराल होगा, और फिर कह रहा हूं ईंट का जवाब अब पत्थर से दिया जाएगा। जल्द ही इस पूरी तैयारी के साथ हम लोग सड़कों पर उतरने को तैयार हैं। हम लोग खुद का एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन तैयार कर रहे हैं जिसके अंदर जवाब देने की क्षमता होगी। वो सिर्फ मंचों पे भाषण नहीं देगा, वो जवाब देगा। जैसा जवाब वो चाहते हैं वैसा ही जवाब अब हम लोग देंगे। देखा जाएगा अब जो होगा, और मैं अपने उन बुद्धिजीवी वकील जो साथी है उनसे भी मैं चर्चा कर चुका हूं इस विषय में। वो लोग आपके साथ कंधे से कंधा मिला के आपके लिए खड़े रहेंगे हर टाइम, और मैं उन तमाम सामाजिक संगठनों से आग्रह करूंगा यदि आप कुछ नहीं कर सकते तो रोना बंद कीजिए, अब हम लोग जवाब देने के लिए आ रहे हैं। तो आप लोगों को हम लोगों का सहयोग करना होगा। यदि आप लोग जवाब नहीं दे सकते तो हम देंगे, लेकिन इस आंदोलन को चलाने के लिए हमें आपके सहयोग की आवश्यकता होगी, तो आप लोगों को भी हमारा साथ देना होगा। तो देश भर के तमाम लोग, मैं उन्हीं बहुजनों की बात कर रहा हूं जो सड़कों पे बहुजन समाज के लिए आंदोलन करते हैं, आंदोलन के साथ अब अपनी भाषा को तैयार कर लीजिए, और आपके पास जो भी साधन संसाधन है उन्हें इकट्ठा कर लीजिए। समय आ चुका है जवाब देने का। या तो गुलामी की तरह जीना सीखते रहिए, गुलामों की तरह मर जाइए, या संघर्ष करके सड़कों पे उतर आइए। सड़कों पे उतरने का मतलब अब प्रदर्शन नहीं होगा, सड़कों का मतलब एक ही है कि जवाब, और बड़ा जवाब। अगर जवाब देने को तैयार है तो अपने तमाम सभी साथी कॉन्टेक्ट नंबर चलो अगर जवाब देने को आप लोग तैयार हैं तो सभी लोग अपने कॉन्टेक्ट नंबर आज अपने इसी ग्रुप में छोड़ देंगे। ये संगठन, मैं फिर कह रहा हूं, ये आंदोलन जो होगा, ये आंदोलन लठ का आंदोलन होगा, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाला आंदोलन होगा। तो इसलिए सिर्फ वही लोग हमारे साथ जुड़े जिनके मन में डर ना हो, जो भयभीत ना हो, जिन्हें किसी चीज का डर ना हो, वही लोग जुड़े।
डरपोक लोग चूड़ियां पहने और अपने घरों में बैठ जाएं। घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, लगातार घटनाओं में इजाफा हो रहा है। उन्हें रोकने के लिए अगर हमें आत्मरक्षा में अगर कुछ कदम उठाना पड़ा तो हम उठाएंगे। ये फैसला आप लोगों को अब खुद करना होगा, क्या आप लोग इस आंदोलन में हमारा साथ देंगे या नहीं, या आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताइए। जल्द ही इस जो हमारा ये आंदोलन है इसका ऐलान पूरे देश भर में तमाम बहुजन मीडिया के माध्यम से जल्द होगा और जल्द ही पूरा ऐलान होने के बाद कार्रवाई शुरू हो जाएगी। आपको याद होगा जब भी मैंने आंदोलन की बात करी मैं पहले अपने अपने फेसबुक पेज पर आके इसका पूरी चेतावनी के साथ कहकर गया और इस बार फिर से कह के जा रहा हूं, ना डरे थे ना डरेंगे, ना झुके हैं ना झुकेंगे, अब सिर्फ तोड़ेंगे और रख कर तोड़ेंगे। अगर आप लोगों में से ये बात उन मनुवादियों की औलादों को कह रहा हूं, अगर अब समाज के लोगों के ऊपर कोई हमला होगा तो जल्द से जल्द अब फोटो खिंचवाने वाली राजनीति नहीं होगी, अब भाषणबाजी नहीं होगी, अब जवाब दिया जाएगा और जवाब करारा दिया जाएगा। तो जो जो लोग हमारे साथ हैं अपने नंबर आज ही व्हाट्सएप हमारे इस कमेंट बॉक्स में लगातार छोड़ दें, हम लोग आप लोगों से संपर्क करेंगे और साथ में उन्हें आत्मरक्षा के लिए उन लोगों को हम ट्रेनिंग भी दिलवाएंगे। उस ट्रेनिंग के लिए हम लोगों ने कुछ साथियों से बातचीत करी है तो वो लोग जिस प्रकार से आरएसएस अपनी खुद की तैयारियां कर रहा है, जो काम हमारे समाज के कुछ संगठनों को करना चाहिए था अब वो काम हम लोग करेंगे। हर युवा को उसको आत्मरक्षा करनी सिखाएंगे हर प्रकार से। तो तैयार हो जाइए इस बहुजन आंदोलन में कूदने के लिए। जो लोग कूदना चाहते हैं आपका तहे दिल से स्वागत है और वीडियो को मैं फिर कह रहा हूं ज्यादा से ज्यादा सभी लोग शेयर करें ताकि हर बहुजन समाज की आवाज ये कानों तक ये आवाज पहुंचनी चाहिए, चाहे जम्मू कश्मीर हो या केरल तक, वहां तक अब ये आवाज जानी चाहिए कि बहुजन समाज अब चुप नहीं बैठे और ईंट का जवाब पत्थर से देगा। जिसे राजनीति करनी है वो राजनीति करे, बहुत सारे प्लेटफॉर्म उनके पास है। जिन्हें भाषणों का शौक ना हो वो हमारे इस बहुजन मूवमेंट के साथ जुड़ेंगे। अब जो सिर्फ चाहते हैं कि अब एक्शन पे रिएक्शन होना चाहिए, जो चाहते हैं इन घटनाओं पे प्रतिक्रिया होनी चाहिए, वही लोग हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जो भी साथी हमारे साथ, मैं फिर कह रहा हूं, फिर आह्वान कर रहा हूं, आप लोगों की बहुत आवश्यकता है। आप लोग हमारे कान और आंख बने, इस देश में हमारी ताकत बने। अब जो 15% का राज है उसे खत्म करने का समय आ चुका है, अब समय आ चुका है। मैं फोन आ रहा है, मैं फोन काट रहा हूं भाई, अब 15% के बात नहीं होगी। ये जो 15% लोगों ने सिर्फ एक भय बना के हमारे समाज के ऊपर राज कर रहे हैं, अब उन्हें उन्हीं की तरीके से दबाया जाए। हम अच्छे लोगों को कुछ नहीं कहेंगे लेकिन जो गलत लोग हैं उन्हें हम बख्शेंगे भी नहीं। हो सकता है कि सरकार अब हमारे खिलाफ लगातार एक्शन करना शुरू करे, जिस प्रकार से पिछले केसेस में भी उन्होंने पिछले जो हमारे आंदोलन थे उनमें किया। तो जो करना है, जो उखाड़ना उखाड़ लीजिए, हम लोग पीछे नहीं हटने वाले, अब जवाब देने वाले बन रहे हैं। और जो भी बहुजन समाज के साथी लाइव देख रहे हैं, मैं फिर कह रहा हूं, पुनः आग्रह कर रहा हूं, वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी लोग, अपने समाज अपने अपने बहुजन समाज तक यह आवाज जानी चाहिए। और आप लोगों के माध्यम से मैं फिर से आग्रह कर रहा हूं उन तमाम बहुजन समाज के संगठनों को कि आपको जिस प्लेटफॉर्म पे रहना वहां रहिए, जिस राजनीति में आपको जाना वहां रहिए, लेकिन जब समाज की पीड़ा की बात है, जब समाज के अधिकारों की बात है तो बहुजन अधिकार आंदोलन के बैनर तले अब आप लोगों को लड़ना होगा
और बहुजन अधिकार आंदोलन हम लोग चलाएंगे अब, और बहुजन अधिकार आंदोलन का एकमात्र उद्देश्य होगा, सिर्फ एकमात्र उद्देश्य, सबसे पहले अपने, बाद में भी अपने और अंत में भी अपने, उनकी रक्षा ही एकमात्र उद्देश्य होगा बहुजन अधिकार आंदोलन का। तो उम्मीद करता हूं आप लोग इस आंदोलन में भाग लेंगे और अपने नंबर, मैं फिर कह रहा हूं, पुनः कह रहा हूं, अपने नंबर जो इस आंदोलन के साथ जुड़ना चाहते हैं, जो शेरों की कौम है, जो मानता है अपने आप को असली क्रांतिकारी, जो मानता है बाबा साहब को, जो बाबा साहब के दिखाए रास्ते पे चल रहा है, जो अपने आप को उधम सिंह को अपना आइडल मानता है, जो भगत सिंह को अपना आइडल मानता है, वो लोग ही हमारे साथ जुड़े। जो साहू जी महाराज को मानता है, जो ज्योतिबा फूले को मानता है, वो लोग हमारे साथ जुड़े। जो सम्राट अशोक को मानता है, वो हम लोगों के साथ जुड़े। अन्यथा बाकी के जो चंद लोग हैं, वो हमारे साथ इस आंदोलन में ना जुड़े। बहुजन अधिकार आंदोलन अब इस देश में एक नई क्रांति को पैदा करेगा। बहुजन अधिकार आंदोलन अब जवाब देगा। तो उम्मीद करता हूं आप लोग बहुजन अधिकार आंदोलन को समर्थन करेंगे और इस देश में एक नई क्रांति की शुरुआत करेंगे। जिन लोगों ने राजनीतिक क्रांति की तरफ जाना था, वो राजनीतिक क्रांति की तरफ जा चुके हैं। तो जिसे राजनीति की तरफ जाना हो, वो वहां चला जाए, और जिन्हें सामाजिक आंदोलन की तरफ जाना हो, वो हमारी तरफ आ जाए। हम क्लियर कह रहे हैं, साफ कह रहे हैं, क्योंकि अब हम किसी के प्यादे नहीं बनेंगे, हम किसी के लिए अपने बच्चों की आहुति नहीं देंगे, हम अब अपनी मां बहनों के ऊपर हाथ नहीं उठने देंगे, हम अपनी मां बहनों की तरफ किसी की आंख तक नहीं उठने देंगे, ये याद रखें, और बचाएंगे, रख के बचाएंगे हम। तो जो जो लोग हमारे साथ जुड़ेंगे, उनको एक एक जिले की जिम्मेदारी दी जाएगी, उस जिले में जिले की जिम्मेदारी के साथ उन्हें पूरी ट्रेनिंग कराई जाएगी। उस ट्रेनिंग के बाद आपकी जिम्मेदारी बनेगी कि अपने क्षेत्र के युवाओं को वो ट्रेनिंग आप लोगों ने देनी है, और अपने क्षेत्र के युवाओं के हाथ में वो डंडे भी देने हैं। अब हर जिम्मेदार व्यक्ति की जिम्मेदारी यही होगी, जो हमारे बहुजन अधिकार आंदोलन से जुड़ा होगा, उनको पूरी ट्रेनिंग कराई जाएगी, ट्रेनिंग के बाद उन्हें उनके क्षेत्र में भेजा जाएगा, वो अपने क्षेत्र में अपने बहुजन समाज के उन युवाओं को तैयार करेंगे जो समाज के लिए समर्पित हों, और समाज पे अगर उनके क्षेत्र में कोई घटना होगी तो उसका जवाब वो देने को तैयार रहे, पीछे हटने की किसी को कोई जरूरत नहीं। हमारी पूरी कमेटी आपके साथ रहेगी, और जरूरत पड़ी अगर आपके क्षेत्र में कोई बड़ी घटना होती है तो लठ लेके आपका अपना ये भाई सरदार बलविंदर सिंह आपके साथ खड़ा हुआ दिखाई देगा। अब पीछे हटने की जरूरत नहीं, हम लोग ना पीछे हटेंगे, ना धरने करेंगे, ना प्रदर्शन करेंगे, अब हम लोग सिर्फ जवाब देंगे।